Assalamualaikum, welcome to life with Amna Tabish. और आज का मेरा ब्लॉग totally weekend को dedicated है. मैंने क्या किया weekend पे, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नाश्ते से. नाश्ते के लिए मैं गई थी सॉल्ट एंड चिली रेस्टोरेंट, जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और बहुत ही टेस्टी यहाँ पे खाने मिलते हैं. बारबेक्यू होता है और रोल्स होते हैं और लस्सियाँ होती हैं, बहुत मज़ेदार. पर मैंने ऑर्डर किया था बूम बूम रोल, बहुत ही मज़ेदार होता है. और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, चिकन बूम बूम रोल है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फेमस है सॉल्ट एंड चिली का. तो मेरा वीकेंड का नाश्ता कुछ इस तरह से हुआ. तो नाज़रीन ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, जिसमें मैंने ये मिल्क यूज़ किया है अलरबाबी का, और ये मैंने चीनी और मैंगो डाल दिया, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है लॉन्ग लाइफ मिल्क. और ये देखिए कुछ इस तरह से इतनी की गई, थोड़ा सा मैंने नीडो भी डाला है, नीडो से कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाती है. और ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर तक ब्लेंड करना है ताकि अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाए. और नाज़रीन साथ साथ मैंने पुलाव भी बनाना था, तो मैं पुलाव चढ़ा दिया था और ये ब्लेंड हो रहा है ताकि इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए. और ये देखिए मैं बून के गोश्त से बना रही थी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा. ये मैंने इसकी चटनी बना ली है पुलाव की, ताकि फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसको चढ़ा दें. तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ रहा है, ये हम शेक ग्लास में पोर करने लगे हैं और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आई और बहुत ही मज़ेदार बना था. आप लोग भी ट्राई करिएगा शेक, ये बहुत ही मज़ेदार है. आजकल मैंगो का सीज़न भी है तो बहुत ही मज़ा आता है मैंगो शेक पीने का, और ख़ास तौर पे वीकेंड होता है तो अपनी फैमिली के साथ मैंगो शेक पीने बहुत मज़ा आता है. और ये देखिए मेरी अम्मी मुझे हेल्प कर रही हैं पुलाव बनाने में. तो ये है चावल, इसको हम साफ़ कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्लीन अप हो जाए. वैसे यहाँ दुबई के अंदर चावल बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी इसके अंदर कंकर या कुछ भी नहीं होता, बहुत साफ़ होते हैं. तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है और यखनी बहुत अच्छे से उबाल मार रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही भूख भी लग रही है. तो चलें देर नहीं करते, जल्दी से इसके अंदर चावल डाल देते हैं. और ये नाज़रीन ये मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं, आप इसको देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या भूख लग रही है. और एक बार ये दम लगने के बाद जो इसका टेक्सचर, जो मज़ा आएगा ना. और ये देखिए हमने चावल डाल दिए हैं अपनी यखनी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है. और अब ये देखिए यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी सुपरमार्केट से तोरियाँ भी ली थी, तोरियाँ मुझे बहुत पसंद है और मैंने ये दुबई के अंदर भी ढूंढ निकाली है. तो ये मैं तोरियाँ काट रही हूँ. और दुबई का मौसम कुछ इस तरह से, बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत शदीद गर्मी के बाहर निकलना, बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है, पसीना पसीना हो जाते हैं. तो ये मैंने कुछ ट्राई किया है आपको मौसम दिखाना, लेकिन लगता है कैमरा कुछ सही नहीं बैठा. चलें फिर अंदर ही आ जाते हैं. चलें ये देखिए ये मैं पुलाव बना रही हूँ और ये कुछ इस तरह से थोड़ी देर बाद दम लगने के बाद इसकी ऐसी शक्ल आ चुकी है, बहुत ही मज़ेदार था. व्यूवर्स आप यकीन कीजिए, आप ट्राई करिएगा, आप बिल्कुल भी अपसेट डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और बहुत ही ईजी तकरीब, माई बैड, बहुत ही अच्छी तरकीब है ये. सॉरी मेरी उर्दू कभी यहाँ से वहाँ हो जाती है, तो आप लोग माइंड बंद कीजिएगा, बस यहाँ रहते हैं तो कुछ हमारी उर्दू इधर से उधर हो ही जाती है, तो क्षमा कीजिए. चलें तो फिर मैंने तो नाश्ता किया था, उसके अंदर ये भी मैंने ऑर्डर किया था ताकि मैंने सोचा मैं घर में आने के बाद शाम के या रात के खाने के साथ रात के खाने का भी इंतज़ाम कर दूँ. तो ये लीजिए मैंने ऑर्डर किया था, क्या ओह माय गॉड, ये है बिहारी, बिहारी कबाब ऑर्डर किया था. बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा कुक्ड होता है, वेल कुक्ड, और बहुत ही मज़ा आता है. और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ऑर्डर किएगा. और ये है माश की दाल, माश की दाल भी बहुत अच्छी होती है. और ये फिर ऐसी चटोरे में मैंने ऑर्डर कर दिया था KFC का लोडेड फ्राइज. सॉरी व्यूवर्स मुझे माफ़ कर दिएगा, आपको भी भूख लग रही होगी ना, बस बहुत ही मज़ेदार होता है. मेरा दिल चाहता है मैं जो भी चीज़ खाऊँ, जो भी मंगाऊँ, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ. तो ये KFC के लोडेड फ्राइज बहुत ही मज़ेदार थे. फिर भी आ गया इशा का टाइम, तो मैंने सोचा चले इशा का टाइम है तो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं. तो नमाज़ मैंने सोचा क्यों ना मस्जिद में जाके पढ़ते हैं. और ये देखिए व्यूवर्स ये मस्जिद है, ऊपर औरतों का है. और ये मैं आपको जो शीशे से नीचे दिखा रही हूँ ये है जेंट्स की मस्जिद नीचे, और इमाम साहब वो सामने खड़े हुए हैं, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. तो ये कुछ इस तरह से मस्जिद है, बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, बहुत ही मज़ा आता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का. और लगता है कि जो सही नमाज है वो सही से अदा हो गई, क्योंकि घरों में अक्सर इतने काम काज के दौरान जो नमाज़ पढ़ी जाती है, तो मुझे ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि शायद नमाज जो है सही से नहीं पढ़ पाते हैं हम. तो ये देखिए ये मस्जिद का दूसरा हिस्सा है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी मस्जिद है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे. और ये मैं जल्दी जल्दी निकल रही हूँ मस्जिद से, आपको बाकी मस्जिद दिखाने के लिए मैं बाहर आ रही हूँ. और ये देखिए राइट साइड पर वॉशरूम है, सामने एलिवेटर है जहाँ से हम से ऊपर आ जाते हैं. और ये लेफ्ट साइड पर शू रैक है, यहाँ पर शूज़ रखते हैं और जो भी नमाजी आए वो इजीली यहाँ पर शूज़ रख सकते हैं. ये देखिए हम वॉशरूम के अंदर आ चुके हैं और इसको अरबी में हम्माम भी कहते हैं. सो हियर वी आर इन हम्माम एंड हेलो गाइस, ये मैं हूँ
और ये देखिए वॉशरूम बहुत ही अच्छा क्लीन नीट एंड टाइडी है और मस्जिद भी न्यूली बिल्ट है, इस वजह से हर चीज़ बहुत अच्छी है और इसका आउटर लुक है बहुत ही खूबसूरत है मस्जिद बाहर से। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीकेंड कुछ इस तरह भी गुजरा और आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, लाइफ विद आमना ताबिश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।